हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सताक्षी वगैरह। सो आप टाइटल एंड थंबनेल से तो ऑलरेडी जान चुके होंगे कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले कि आप अपने डैमेज हेयर को किस तरीके से हेल्दी हेयर बना सकते हैं। यस, हमारे हेयर पर स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे हेयर काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, डल लुक देते हैं, डैंड्रफ होता है, साथ ही साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको भी ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप इस हेयर मास्क को ज़रूर ट्राई करिए। इससे क्या होगा, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, आपके डैंड्रफ भी दूर होंगे एंड आपके हेयर में एक अच्छा सा शाइन आएगा एंड उसके टेक्स्चर में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड बहुत सारे वीडियो शेयर करते रहते हैं। चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम अपने हेयर एंड स्किन की एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेयर एंड स्किन की इंटरनली केयर करें। क्योंकि अगर आप इंटरनली केयर करेंगे तो जो भी आपकी स्किन या हेयर प्रॉब्लम्स है ना, वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही होता है, मैं कई वेजिटेबल्स हो गए, कई फ्रूट्स हो गए, मैं वो कंज्यूम नहीं करती क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं रहता। बट उसमें कुछ ऐसे विटामिन रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ग्लोइंग स्किन के लिए, हमारे हेल्दी हेयर के लिए। तो मैं अपने डाइट में एक सप्लीमेंट इंक्लूड की जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। वो है न्यू हर्ब्स का हेयर स्किन विटामिन विथ हाइलोरोनिक एसिड। यस, इसमें है 9 विटामिन, 6 मिनरल सपोर्ट विथ हर्ब्स न्यूट्रिशनल ब्लेंड फॉर हेयर एंड स्किन। सो मेनली मैंने इसे अमेजोन पे देखा था, तो अमेजोन पे इसे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं एंड ये बेस्ट सेलर पे भी आ रहा था। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें है विटामिन सी, ई, B2, B6, B1, विटामिन ए, विटामिन B12। यस, इतने सारे विटामिन से जो कि हमारे स्किन एंड हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी वो भी दूर होती है इससे एंड आपके हेयर हेल्थियर होते हैं। साथ ही साथ इसमें फॉलिक एसिड है, बायोटीन, बायोटीन आपको पता है हेयर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। मैग्नीशियम है, जिंक है, मैगनीज है, कॉपर है, आयोडीन है, ग्लाइकिन है, सेलेनियम है, इतने सारे इसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स है ना कि मैं बता नहीं सकती। साथ ही साथ इसमें है हर्ब्स ब्लेंड, इवनिंग प्रीम रोज ऑयल पाउडर, ये आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ इसमें ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट, टर्मेरिक एक्सट्रैक्ट, ब्लैक पेपर फ्रूट एक्सट्रैक्ट, न्यूट्रिशनल ब्लेंड भी, पोमीग्रेनेट फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, हाइलुरोनिक एसिड है, ओके, एंड साथ ही साथ इसमें है लाइकोपीन। मीन्स ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, वो हमारे स्किन एंड हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे, ओके। इसमें मेनली है हाइलुरोनिक एसिड जो कि आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, ओके, एंड साथ ही साथ ये हमारे हेयर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो हमारे हेयर फॉलिकल है ना उसे ये मॉइस्चराइज करता है। विटामिन है वो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, टेक्स्चर को इम्प्रूवमेंट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सप्लीमेंट है आपकी हेयर एंड स्किन के लिए। साथ ही साथ इसमें विटामिन के भी नहीं है, विटामिन के फ्री है, ये प्रिजर्वेटिव फ्री है। तो आपको इसे कंज्यूम कैसे करना, ओके, तो आपको इसमें लिखा हुआ है कि 2 कैप्सूल लेना पर डे आफ्टर योर मील। आप 1 भी ले सकते हैं पर डे पे, बट अगर आप 2 कैप्सूल लेंगे पर डे पे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड जल्दी देखने को मिलेगा। तो इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी ख़त्म भी हो चुका है, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, जो मेरे हेयर टेक्सचर उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, मेरे हेयर फॉल कम हुए हैं एंड जो मेरी स्किन है ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग लगने लग गई है आजकल। तो मैं आप लोगों की इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, मैं इसको 1 कैप्सूल लेती हूँ पर डे पे एंड मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, जो सर जिसका लिंक है उसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से हेयर मास्क को प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। हमें क्या करना है, अपने हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करना, ओके, हमें हेल्दी हेयर चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आपकी हेयर सॉफ्ट रहे एंड आपकी हेयर पे एक शाइन रहे। तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हिबिस्कस पाउडर, जो कि आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही साथ अगर आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है ना उसे भी वो ठीक कर देता है एंड ये क्या करता है, मेनली आपके हेयर को नरिश करता है। यस, आपके हेयर पे मॉइस्चर जो बोलेंगे प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट देता है आपके हेयर को, ओके। तो आप इसे अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिएगा, यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून इसे ले रही हूँ। उसके बाद जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है मेथी सीड पाउडर, जिसे हम फेनुग्रीक सीड कहते हैं, ओके।
तो इसके बारे में आप सबको पता होगा ये अमेजिंग है आपकी हेयर के लिए। तो ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है, जो भी इचिंग हो रही है आपको उसे दूर करता है, एंड साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है आपके हेयर पे शाइन। यस, हमने जो ये हेयर मास्क प्रिपेयर किया है आप इसे भी 4 टेबल स्पून लेना है, मीन्स आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिएगा, दोनों की जो क्वांटिटी रहेगी वो सेम ही रहेगी। तो मेनली क्या करेगा, हिबिस्कस हमारे हेयर को नरिश करेगा एंड जो मेथी सीड पाउडर है वो हमारे हेयर पे शाइन ऐड करेगा, एंड साथ ही साथ आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर होगी एंड आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। तो आप इसे नॉर्मल वाटर के साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप कर्ड के साथ इसे मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वाटर के साथ मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ, तो इसे अच्छे से आप पहले मिक्स कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से आपको अपने पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करना है, साथ ही साथ आप अपने हेयर लेंथ पे भी अप्लाई कर लीजिए। अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप इसे 30-40 मिनट्स के ऐसे ही रहने दीजिए। आफ्टर 30-40 मिनट्स ये थोड़े ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद आप शैम्पू एंड कंडीशनर की हेल्प से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए, एंड इसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे कि आपके हेयर में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लगेगा, नरिशमेंट लगेगा, आपके हेयर से शाइन आएगा एंड आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम वो भी कम हो जाएगी एंड डैंड्रफ तो दूर ही हो जाता है। तो एक मैजिकल हेयर मास्क है, आप इस दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके यूज़ करिए एंड आप बिलीव मी कि आपको फर्स्ट यूज़ में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, वीक में 1 से 2 बार आप इसे यूज़ करिए, आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो होप सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, दैन प्लीज़ इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास से आपको बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, और आप मुझे मेरे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं, जो मेरी इंस्टा आईडी है वो है सताक्षी बघेल। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।